हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ खास बेसिक्स जिसके बिना हम लोग का काम चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान लेते हैं कि आज के वीडियो में क्या हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स जानने को मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अच्छा, इसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में भी जानने को मिलेगा। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है नाभिक स्नेही। और जब हम इनके बारे में जान जाएंगे विद एग्जांपल्स उदाहरण के साथ, तो हम देखेंगे कि ये इनके रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं। मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, हेलो एल्कीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ये सब आता कहाँ से? ठीक है, तो बेसिकली ये सब नेचर ऑफ बॉन्डिंग है और ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल भी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन रागी या इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही की जो प्रकृति होती है, उसका नेचर जो होता है, ये भी डिसाइड करता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कैसा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल कहते किसको। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है, ये तो इसकी वर्डली मीनिंग होगी, ऐसा कुछ जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या मतलब हुआ? ऐसा कुछ जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब किसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा? जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास एक कोई मैटर है, एक कोई सब्सटेंस है ई, और उसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ई प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हुआ। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी हो गई, तो हर हाल में हमारे पास जिस भी चीज की कमी होती है, हमको वही चीज चाहिए होती है। तो अगर हम कहते हैं कि E प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना, जैसा कि हमने यहां पर दिखाया है, देन इट विल श्योरली नीड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये हर हाल में इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये सब बात की बात है, ये सब बात की बात होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल होते क्या है। तो साफ साफ सीधी सीधी बात दिख रही है कि ऐसे लोग जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर? अच्छा, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में तो कुछ आपको साफ साफ दिख रहे हैं, जैसे Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है ना, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोडियम आयन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फिर देखिए, आप देख सकते हैं CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखने को मिल सकते हैं आपको। साफ साफ प्लस चार्ज दिख रहा है। प्लस चार्ज का मतलब क्या हो गया कि दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दे विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन द गिवन रिएक्शन। ठीक है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये किसी भी अभिक्रिया में कैसा व्यवहार दिखाएंगे? ये दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसा व्यवहार दिखाने वाले हैं। क्लियर? लेकिन कुछ और भी लोग होते हैं जहां ये सीधा सीधा प्लस चार्ज नहीं आता है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, लुईस एसिड्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स। कैसे? देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लुईस एसिड हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब देख लें, ये सब देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे देखते हैं कि कैसे लुईस एसिड है, ये दोनों कैसे लुईस एसिड है। तो कार्बन का अगर आप वेस्पर थ्योरी से बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक ना, यही इसका मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है। देखिए, नाउ ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ झुके होंगे, किसकी तरफ शिफ्टेड होंगे? ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और श्योरली इधर पर भी क्या आएगा? निगेटिव ही चार्ज आएगा। तो अब देखिए, इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो सेंट्रल एटम है, यानी कि कार्बन, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हुए कि नहीं हुए? हो गया ना,
साफ सीधी बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गए, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है ये क्या कहलाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक लुईस एसिड है वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल की वजह से काम कर सकता है। फिर देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड, आप देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, आप ऐसे बना लीजिए। एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आप जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं, यहां पे दो तरीके बेसिकली हो सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहां पर दिया जाएगा। लेकिन एक और जो कि वेल एक्सेप्टेड रीजन यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये AlCl3 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल। एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक के इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि कोई एटम अगर एक्स है तो वो बॉन्ड बनाने के बाद अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्लियर है। यही ऑक्टेव रूल है, यही अष्टक का नियम है कि कोई भी एटम अगर अनस्टेबल है और अनस्टेबल होने के कारण वो बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड बनाने के बाद वो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा, क्लियर। अब अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है तब तो ठीक है ना, दैट्स गुड। लेकिन यहां पर आप देखिए जैसे कि एल्युमिनियम की बात करते हैं, ग्रुप 13 का ये एलिमेंट है, ठीक ना, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, इसी के जैसे बिहेवियर इसका भाई एक और होता है BCl3 या BF3 भी आप कह सकते, एक और एग्जांपल बन सकता है यहां पर BF3 एंड BCl3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स है। रीजन क्या है, देखिए एल्युमिनियम के कितने बॉन्ड बने हैं? 1, 2 एंड 3, सिर्फ 3 बॉन्ड बने। 3 बॉन्ड का मतलब एल्युमिनियम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए? एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन लेगा, हैं कितने? 6। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के ही जैसे ये बिहेव करेगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में कुछ खास चीजें थी, आपको जानना है तो हमेशा ध्यान दीजिए कि एक एग्जांपल थोड़ा सा एक ऐसे देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक कोई एल्किल हैलाइड है, हमारा सब्जेक्ट यही है फिलहाल, हम इसी को लेकर के अगर यहाँ पे देखें, हमारे पास कोई एक एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड में R क्या है? कार्बन होगा, यहां दिखा लेते हैं। एल्किल हैलाइड में ये क्या है? कार्बन। ये जाहिर सी बात है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पहले ही बता रखा आपको, ये पार्शियल निगेटिव चार्ज क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? ज्यादा। इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता क्या है? वो ज्यादा है। तो अब देखिए ये जो सेंटर है, ये सेंटर कैसा हुआ? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये क्या सेंटर हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है। तो आप जब कभी भी कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन दिखते हैं कि कैसा रिएक्शन होगा कैसा नहीं होगा, तो ये जरूर देख लीजिए कि बॉन्डिंग कैसी हो रही है वहां पे, वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव जनरेट हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है किसके ऊपर पार्शियल निगेटिव है, ये चीज बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। चलिए ये इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में था, इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में था, अब थोड़ा सा देखते हैं नाभिक स्नेही क्या होते हैं या न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है क्या? न्यूक्लियस लविंग। क्या हो गया? न्यूक्लियस लविंग हो गया। अब न्यूक्लियस लविंग का मतलब चलिए देखते हैं, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज है कि नहीं? न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, पर न्यूक्लियस में कई सारे सब न्यूक्लियाई होते हैं, उसमें एक प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ओवरऑल जो न्यूक्लियस पे चार्ज आएगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या कि हमारे पास, हमने कहा कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज, हाँ ठीक है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो न्यूक्लियस को चाहिए क्या होगा? निगेटिवली चार्ज स्पीशीज चाहिए, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री टू द इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज,
ठीक है, ये इनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। क्लियर है? क्या हो जाएगा इनके पास? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होने पर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने पर किसी स्पीसीज के ऊपर चार्ज कैसा आता है? निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो जितने भी लोग जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, सी एल निगेटिव, बी आर निगेटिव, आई निगेटिव, एन एस थ्री, देखिए लोन पेयर आ गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एसिकली टाइन वगैरह आप देख लीजिए, है ना, साइनाइड देख लीजिए, ये सब के सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स। क्या है ये सब के सब? न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब अगर एक समरी ली जाए इस वीडियो की फिलहाल की अभी तक के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे तो वो क्या होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, निगेटिवली चार्ज होंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐसे हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखें, हमने इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे दिखाया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को ऐसे दिखाया। नाउ सी, इलेक्ट्रोफाइल इज पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल इज निगेटिवली चार्ज। इन दोनों के बीच कूलाम्बिक इंटरेक्शन होगा कि नहीं होगा? प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक है, बहुत सारे पोटेंशियल वेल वगैरह का कॉन्सेप्ट आता है, पर फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे ही समझते हैं जो हम लोग को आसानी से समझ में आ जाए। अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो देखिए, इफ ए इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड बी इज ए न्यूक्लियोफाइल, दे विल रिएक्ट टूगेदर टू गिव ए प्रोडक्ट ए बी, है ना। दुनिया में 99% रिएक्शन यही इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। कहीं ना कहीं जब रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का जनरेशन होता है। शॉर्ट लिव्ड ही हो, बहुत कम टाइम के लिए ही रिएक्शन बने, लेकिन बनते जरूर हैं 99%। ठीक है, 1% में आप कई सारे अलग रिएक्शन होते हैं, पेरिसाइक्लिक फॉर एग्जाम्पल, आप उसको रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए 99% रिएक्शन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक ही होते हैं। और सीनियर सेकेंडरी लेवल में तो हर हाल में आपको सारे ही रिएक्शन ऐसे दिख जाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप किसी भी रिएक्शन को करने से पहले प्लस सेंटर जो है और माइनस सेंटर जो है उसको खोज लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो हेलो एल्केन के रिएक्शन थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कहां से आता है? ठीक है, आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट जानते होंगे। ठीक ना, जैसे ये हमारा क्या है? एक जनरल हेलो एल्केन, ये क्या है? हेलो एल्केन हमारा एक, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये नेगेटिव सेंटर हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये पॉजिटिव सेंटर बन गया, साफ सीधी बात है। ठीक है, दूसरी चीज, एक रेस होने वाली है, इलेक्ट्रोफाइल यहां है, न्यूक्लियोफाइल यहां है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारा रिएक्टिव साइट होती है जनरली वो कार्बन ही होती है, भले वो पॉजिटिवली चार्ज हो निगेटिवली चार्ज हो, बेसिकली वो रिएक्टिव साइट कहाँ मिलेगी आपको? यहीं पर मिलेगी। तो रिएक्शन हमारा यहीं होना है। ठीक है, इस कार्बन को हमने इंसर्कल कर दिया। अच्छा, अब आप बताइए रेस में जीतेगा कौन, इस कार्बन के पास पहुंचेगा कौन? चलिए देखते हैं इसको। अगर ये यहां जाना चाहे तो रिपल्शन होगा, है ना, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ये यहां पर नहीं जा सकता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल अगर चला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन हुआ, अपोजिट चार्जेस हैं, तो आसानी से जुड़ जाएगा। आसानी से क्या हुआ? जुड़ गया। नाउ अब हेलो एल्केन का जो रिएक्शन आया, सबसे पहले एक टर्म आ गया, क्या? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कैसा रिएक्शन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुआ। अब न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल जा करके, ठीक है, या तो ऐड कर सकता है, ठीक है, या तो न्यूक्लियोफिल जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाकर के ऐड कर सकता है, या तो न्यूक्लियोफाइल जाकर के सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि
ये न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या। अच्छा देखिए, कार्बन के चार सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन एंड चार, कितने हो गए, चार सिग्मा बॉन्ड हो गए। नाउ दिस कार्बन इज सैचुरेटेड, कैसा है ये, सैचुरेटेड कार्बन है। अब अगर ये सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड का मतलब होता है ये कार्बन अब और बॉन्ड नहीं बनाएगा। संतृप्त होने का मतलब क्या है, आप हिंदी ही मतलब अगर निकालें, संतृप्त का मतलब ऐसा होता है जो तृप्त हो चुका है, अब और बॉन्ड वगैरह की इच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन के चार सिग्मा बॉन्ड अगर पूरे हो चुके हैं तो ये अब और बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आप जानते भी कि कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल अगर जाके कहे कि हमको ऐड करना है तो एडिशन कैसा होगा, देखिए कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये चार तो पहले से थे, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दिया। देखिए कितने बॉन्ड हो गए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन, चार और पांच सिग्मा। क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पांच सिग्मा बॉन्ड कार्बन बना ही नहीं सकता है, भाई टोटल आठ इलेक्ट्रॉन रखने हैं और ये दस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है कि अगर ये न्यूक्लियोफाइल जा करके यहां पे जुड़ना चाह रहा है, ठीक है, जा करके यहां पे जुड़ना चाह रहा है तो पहले से अटैच्ड किसी ग्रुप को वो धक्का देकर के बाहर निकाल दे, पहले से अटैच्ड किसी ग्रुप को वो धक्का देकर के बाहर निकाल दे, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहां गया और इसने इस हैलोजन एटम को है ना निकाल के बाहर फेंक दिया। देखिए हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट भी किया, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट भी किया और पहले के जैसे ही चार सिग्मा बॉन्ड भी हमारे बन रहे। तो सब कुछ हमारे फेवर में है कि नहीं, भाई हमको रिएक्शन कराना था, इलेक्ट्रोफाइल जा नहीं सकता था, छोड़ दीजिए इसको नहीं जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को जाना है। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो ऐड करे या तो सब्स्टिट्यूट करे। तो एडिशन करता तो फिर ये कंपाउंड की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती, हमको खतरे वाला कोई काम नहीं करना, हमको तो स्टेबिलिटी की तरफ भागना है। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया कि भाई कोई काम बन नहीं रहा है तो चलो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, जो पहले से प्रेजेंट है उसको धक्का मार के बाहर निकाल दें और खुद जाकर के जुड़ जाएं। तो देखिए ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा ही काम करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हुआ, और न्यूक्लियोफिलिक कैसा रिएक्शन हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है किसका, हैलोएल्केन्स, ठीक है। इसी में हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। देखिए जरा, हमने ले लिया क्या, CH3Cl, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और यहां पर हमने कर लिया KCl, ठीक है। चलिए प्लस माइनस खोजना है, बड़ा आसान सा है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। नाउ दिस इज न्यूक्लियोफाइल, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जाने वाला है, ये प्लस और ये प्लस का रिएक्शन तो होगा नहीं, यही न्यूक्लियोफाइल हमारा, इसी को लेकर के आप कैरी करी रिएक्शन, ये यहां जाएगा, ठीक है। तो किसको बाहर निकालेगा, इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा, क्या बन गया, CH3Cl, इथेनाइट्राइल बन गया, ठीक है। फिर देखिए ऐसे करते हैं और CH3Cl प्लस एक्वस TOH, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है, जा करके यहां पर आसानी से ये रिएक्शन बना करके ऐसे दिखाएगा, मेथनॉल दिखाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोग पढ़िए, नोट करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो दोबारा से आप पूछिए। एक क्वेश्चन भी आपको मैं देता हूं, Cl2, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज को डिस्कस करें। थैंक यू।